मैसेल्फ डॉक्टर नेहा खेरा, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स लेके आई हूँ और ये एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है नेक पेन के लिए, जिसकी आजकल सबको सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको भी अगर नेक पेन है या आपके आसपास किसी को नेक पेन है, तो आप इन एक्सरसाइजेस को उनको बता सकते हैं और वो नेक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए कोई एज ग्रुप लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में ये एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए आपको अपने बिजी शेड्यूल में से कोई भी स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कभी भी जब भी आपको नेक पेन फील हो रहा हो, तभी भी आप ये एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए खाना पीना भी मैटर नहीं करता है। आप कभी भी ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जब भी आप चाहें इन एक्सरसाइजेस को आप परफॉर्म कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए आप कहां जहां भी हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो, आपको नेक पेन फील हो रहा है, तो आप इस एक्सरसाइजेस को कर लीजिए। लेकिन इन एक्सरसाइजेस को करने में तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इन एक्सरसाइजेस को अगर हम प्रॉपर वे में करें तो ही ये एक्सरसाइजेस हमारे लिए कारगर है। तो आइए आप जानते हैं कि इन एक्सरसाइजेस को किन किन लोगों को परफॉर्म करना चाहिए। तो इन एक्सरसाइजेस को जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और जिनको नेक पेन होता है, वो ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। उनको नेक पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा इन एक्सरसाइजेस को करने से। हाउसवाइव्स हैं जिनको घर में काम करती हैं और बहुत ज्यादा नेक पेन होने लगता है, तो वो ये एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकती हैं। कंप्यूटर वर्कर्स हैं जो काफी टाइम तक बैठ के सिटिंग पोजिशन में बैठ के कंप्यूटर पर काम करते हैं और उन्हें नेक पेन होने लगता है, तो वो ये एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। शॉपकीपर्स हैं जो शॉप में बैठ के काम करते हैं, उनका भी लंबा बैठने का काम होता है, तो वो ये एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। ब्यूटिशियंस कर सकती हैं, जिनको भी ये नेक पेन में प्रॉब्लम होती है, वो ये इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं और आप अपने नेक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना होगा। और इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए पहला प्रिकॉशन है पोजिशन। आपको प्रॉपर पोजीशन में बैठ के ये एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी, और आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करिए। दूसरा प्रिकॉशन ये है हमारा प्रेशर लिमिट। हम आपको जितना इस एक्सरसाइजेस में प्रेशर लगाना सिखाएंगे, उतना ही प्रेशर लगा के आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ना ज्यादा प्रेशर लगाना है और ना कम प्रेशर लगाना है। तीसरा प्रिकॉशन ये है कि आपको ये एक्सरसाइजेस करते टाइम अगर एक्जर्शन फील होता है, थकाना नहीं है आपको अपनी बॉडी को, एक्जर्ट नहीं करना है आपको अपनी बॉडी को, अगर आपकी नेक एक्जर्ट होती है या नेक पेन बढ़ जाता है आपको ये एक्सरसाइजेस करने से, या आपको एक्जर्शन फील होने लगता है, तो आप तुरंत इन एक्सरसाइजेस को छोड़ दीजिए और आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट एक्सरसाइजेस, सबसे पहले हम प्रॉपर पोजिशन लेंगे, हमारी बैक स्ट्रेट करेंगे, नेक स्ट्रेट करेंगे, और हमें हाथों को हम ऐसे करके एक दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे करेंगे, और इस हाथ से हम हमारे हेड पे प्रेशर लगाएंगे। जितना प्रेशर हमारा और हेड से हाथों पे लगाएंगे, जितना प्रेशर हमारा हेड हाथों को देगा, उतना ही प्रेशर हमें हाथ से हेड पे लगाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। दूसरा रिपीटेशन मैं आपको फिर से करके बताती हूँ। जितना प्रेशर हमारा हेड हाथों को देगा, उतना ही प्रेशर हमारा हाथ भी हेड को देगा। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी नेक पेन जो है वो नेक जो है स्ट्रांग होगी और हमारा नेक पेन रिलीफ हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे हम। यही सेम पोजीशन, हाथ पीछे, वही हेड से हाथों को धक्का देना है और हाथों से हेड को धक्का देना है, लेकिन उतना ही प्रेशर लगाना है हाथों से जितना हेड हाथों को दे रहा है। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। दूसरा रिपीटेशन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। ये करते समय भी हमारी नेक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाथ पीछे जाके नेक पीछे जा रही है, ऐसे नहीं रखना है, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। तो आइए अब हम तीसरी एक्सरसाइज करते हैं। हमारे ये हाथ को हमें यहां रखना है ऐसे, और हाथ हेड से हाथों को प्रेशर देना है, उतना ही प्रेशर हाथ से हेड को देना है, और ये भी करते समय हमारी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक ऐसे नहीं जानी चाहिए। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स. दूसरा रिपीटेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स. अब सेम ऐसा हम फोर्थ एक्सरसाइजेस में करेंगे इस साइड से. इसमें भी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं जानी चाहिए, नेक स्ट्रेट बैक स्ट्रेट. और हाथों से प्रेशर देना है उतना ही जितना कि हेड से हाथ पे प्रेशर जाएगा. स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स. दूसरा रिपीटेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ये है हमारी नेक पेन की एक्सरसाइजेस. जो भी आपको कभी भी नेक पेन हो, आप इन एक्सरसाइजेस को बैठ के परफॉर्म करिए. आपका नेक पेन बहुत बहुत रिलीफ होगा आपको नेक पेन में. ये एक्सरसाइजेस के लिए आपको जब आप स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस, तो आपको फाइव रिपीटेशन करने फॉर टेन सेकेंड होल्ड, जो टेन तक काउंटिंग करनी है. फाइव रिपीटेशन टेन सेकेंड होल्ड तीन दिन के लिए ट्वाइस अ डे. उसके बाद आपको फोर डेज रिपीटेशन बढ़ा देने, टेन रिपीटेशन फॉर टेन सेकेंड ट्वाइस और थ्राइस अ डे. इन एक्सरसाइजेस को आप परफॉर्म करिए और आपके नेक पेन से आप रिलीफ पा लीजिए. थैंक यू.